तो हे जिम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी M31 के बारे में। इस पर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकेशंस जो कि ऑलमोस्ट निकल के आ चुकी हैं सभी स्पेसिफिकेशंस, तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये फोन आपको इंडिया पर देखने को मिलेगा और ये कब तक इंडिया पर देखने को मिलने वाला है और इसकी क्या कुछ प्राइजिंग होने वाली है जो कि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग के गैलेक्सी M31 के डिस्प्ले से। डिस्प्ले फोन की आपको कैसे देखने को मिलेगी, जो डिस्प्ले फोन की आपको देखने को मिलेगी 6.4 इंच की एक फुल एचडी के रेजोल्यूशन के साथ में एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने के ज्यादा चांसेस हैं कि इस फोन पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाए। अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है तो थोड़ा सा इस फोन की प्राइसिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बट ज्यादा चांसेस है कि इस फोन की आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और पंच होल डिस्प्ले इस फोन पर आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे कि हमने देखा था सैमसंग के गैलेक्सी A51 पर उसी तरह की आपको कुछ इस फोन पर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। गाइस हम बात कर लेते हैं इस फोन के बैक डिजाइन की, तो बैक डिजाइन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगी ज्यादा चांसेस हैं और साथ ही में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलेगी। अगर इस फोन पर आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है तो इस फोन पर आपको बैक साइड पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो गाइस हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमराज की, तो कैमरा जो इस फोन पर आपको देखने को मिलने वाला है वो कैमरा के मामले में और कुछ स्पेसिफिकेशंस कंफर्म होती हुई दिख रही है कि फोन पर बताया जा रहा है सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप इस फोन पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि सैमसंग की तरफ से 64 मेगापिक्सल का आपको इस फोन पर कैमरा देखने को मिलेगा और कम प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा। 64 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा और एक कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। जब हम बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। जब हम बात कर लेते हैं फोन के बैटरी की, तो नो डाउट इस फोन पर आपको 6000 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि कंफर्म हो चुका है और साथ में हो सकता है इस फोन पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि सैमसंग की तरफ से अभी तक तो आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिलता था बट इस फोन पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ में टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही हम बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, जो प्रोसेसर इस फोन पर आपको देखने को मिलेगा वो लीक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ बताया जा रहा है कि इस फोन पर भी आपको एक्जोनोस का 9611 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने देखा था सैमसंग के गैलेक्सी A51 पर वही चिपसेट आपको इस फोन पर भी देखने को मिलेगा। वैसे तो कुछ लीक्स पहले बताती थी कि इस फोन पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 वाला देखने को मिलेगा, बट अभी की लीक्स बता रही हैं कि इस फोन पर आपको एक्जोनोस का 9611 वाला ही चिपसेट देखने को मिलने वाला है। कहीं जब बात कर लेते हैं इस फोन पर आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलने वाला है और साथ में हम बात कर लेते हैं इस फोन के रैम ब्रांड की, तो रैम ब्रांड के साथ में सभी रैम ब्रांड के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलेगा 3GB 32GB 4GB 64GB और 6GB 128GB के साथ में भी फोन देखने को मिलेगा और साथ में 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा इस फोन पर। गाइस हम बात कर लेते हैं इस फोन की लॉन्चिंग डेट की, तो लॉन्च होता हुआ आपको फरवरी के एंड पर देखने को मिल सकता है या फिर आपको मार्च के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, बट ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है कि फरवरी के मंथ पर भी आपको ये फोन देखने को मिलने वाला है। गाइस हम बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो इस फोन की आपको देखने को मिल सकती है वो आपको 15,000 के आसपास इस फोन की प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट पर अगर ये फोन इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा सैमसंग के तरफ से। सुगाई आज की इस वीडियो में कुछ इतने बताना था सैमसंग के M31 के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई हैं और ऑलमोस्ट सभी स्पेसिफिकेशंस कंफर्म भी मान सकते हैं आप। सो वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक जो करना, अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर जो करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।